से. किसी ने वॉरेन बफेट को पूछा, किसी ने वॉरेन बफेट को पूछा कि, और वी कैन शो इट इन एक्सेल 1980-1985, किसी ने वॉरेन बफेट को पूछा कि यार आपने इतना पैसा कैसे कमाया, 80 बिलियन डॉलर कोई गुरु मंत्र दे दो. तो बोलता है गुरु मंत्र शेयर कर रहा हूं, सबसे शेयर करता है बोलता है. वो बोलता है जिसको समझ पड़ गया वो पैसे गिनती भूल जाएगा. तो लोगों ने बोला क्या गुरु मंत्र है, बोला बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग, सेल व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग. चाहे वो घर हो, गोल्ड हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो, बोलता है बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग, सेल व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग. तो लोगों ने बोला इसका क्या मतलब है. तो उसने समझाया, और ध्यान से समझिए क्या उसने बोला. हर एक चीज की एक फेयर वैल्यू होती है. कैन वी यूज द एक्सेल. हर एक चीज की एक फेयर वैल्यू होती है. फेयर वैल्यू यानी कि तो ट्रू वैल्यू. वो बोलता है किसी को पता नहीं ट्रू वैल्यू क्या होती है, बट वो बोलता है एक एजम्पशन है कि कुछ फेयर वैल्यू है. समझिए आलू, आलू हमने लिया, आलू की फेयर वैल्यू चल रही है समझिए 20 रुपए पर केजी. आलू की फेयर वैल्यू याद रखिए 20 रुपए पर केजी आज मार्केट में चल रही है. कल मार्केट में न्यूज आई कि कुछ भी खा लो, कुछ भी खा लो आप बीमार पड़ जाओगे, लेकिन आलू खाओगे तो बच जाओगे. तो क्या होगा कल? कल सब लोग जाएंगे, सब लोग मार्केट जाएंगे, क्या खरीदने जाएंगे? आलू. सब लोग आलू खरीदने जाएंगे. अगर सब लोग आलू खरीदने जाएंगे तो आलू का जो फेयर वैल्यू 20 रुपए था, मार्केट में उसका रेट 20 रुपए से ऊपर होगा या कम? कोई डाउट है कि जब सब लोग खरीदने जाते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? प्रीमियम. और आप लोग चाहे वो घर हो, गोल्ड हो, कोई भी चीज हो, आपको सबको खरीदने की आदत कब है? जब सब बोल रहे हो कि क्या है बढ़िया, चाहे आपको प्रीमियम ना बहुत जरूरी होता है. कोई डिस्काउंट पे तो आपको कोई अच्छी चीज देख, क्योंकि सभी मानते हैं वो अच्छा है. फिर समझिए कल मार्केट में न्यूज आ गई कि कुछ भी खा लो बच जाओगे, आलू खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे. तो क्या मिलेगा? 20 रुपए से नीचे क्या मिलेगा आपको? डिस्काउंट. तो बार बार बोलता है कि हमेशा डिस्काउंट पे खरीदो और प्रीमियम पे क्या कर दो? बेचो. कोई भी चीज, स्टॉक, घर, गोल्ड, सब कुछ हमेशा डिस्काउंट पे खरीदो और प्रीमियम पे क्या करो? बेचो. अब ध्यान से देखिए, हमको पता करना था वेन टू बाय एंड वेन टू सेल. तो हमने बोला था वेन टू बाय वेन एवरीबडी इज selling and when to sell when everybody is buying. But what to buy? ये मत गलती करिएगा, यहां पे सबको तकलीफ होती है. मार्केट गिर रही है, अब ऐसा करते हैं भूषण स्टील ले लेते हैं. कोई बोलता है ऐसा जेपी सही लग रहा है, ये बढ़िया बढ़ेगा. ये गलती करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि कंपनियां बंद हो सकती हैं. लेंगे तो क्या हमेशा हम पैसा सेफ रखेंगे. हमारा पहला धर्म है, वॉरेन बफेट फॉलोअर्स का धर्म है, पैसा बढ़े ना बढ़े हमको पीछे नहीं जाना. तो वो धर्म है हमारा पहला. तो हमने बोला कि हम खरीदेंगे तो व्हाट टू बाय व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग एंड व्हेन टू सेल इट व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग. तो वॉरेन बफेट ने तो ये बता दिया बस यही. तो लोगों उसने वॉरेन बफेट ने सोचा कि सबको समझ पड़ गया. प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने बोला भाई ये तो बता दो हाउ टू नो व्हेन इज एवरीबॉडी बाइंग एंड हाउ टू नो व्हेन एवरीबॉडी इज सेलिंग. तो उसका आंसर मैं दे रहा हूं, क्योंकि वॉरेन बफेट को लगता है ये तो बड़ी सिंपल बात है, सबको समझ पड़ गया. तो मैं आपको तरीके बता रहा हूं जिससे आप पता कर सकते हैं. बहुत सिंपल तरीके बता रहा हूं, दो तरीके बताऊंगा. पहला तरीका, दो मैगजीन्स आपको सब्सक्राइब करनी है. उसके लिए वो क्या कॉस्ट हो, जो भी हो, आपको दो मैगजीन्स तो हमको चाहिए ही चाहिए. और वो दो मैगजीन्स का नाम है सरिता और विमेंसरा. सरिता, विमेंसरा, मेंस हेल्थ, एनी मैगजीन दैट हैज नथिंग टू डू विद स्टॉक्स, हाउसिंग एंड गार्डनिंग, या गार्डनिंग एंड हाउसकीपिंग शायद, जो भी, एनी मैगजीन दैट हैज नथिंग टू डू विद स्टॉक्स, ये चाहिए ही चाहिए हमको. ध्यान से समझिए कैसे. समझिए निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर गई इस हफ्ते, आपको लिखता है सरिता आर्टिकल लिखेगी. सबको पता है सरिता क्या है, राइट? मतलब मैं बहुत पढ़ चुका हूं, मुझे नहीं पता बाकी लोगों को पता है कि नहीं. मैंने अधिकतर, मेरी मदर मेरे को पूछती थी क्या है लड़कियों की, मेरे फादर मतलब वो पंजाबी में बोलते हैं क्या जनानियों वाली किताबें पढ़ते रहता है, बट मेरे से पूछ रहे हैं. तो मैं बहुत पढ़ता था, बहुत. मैं तो वही और बता रहा हूं कि मैं क्या सोचता था. अब ध्यान से देखिए, अभी निफ्टी अगर ऊपर गई 100 पॉइंट, तो क्या आपको लगता है कि सरिता आर्टिकल लिखेगी कि यार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ये सेंसेक्स? नहीं. क्यों? क्योंकि उसके टारगेट ऑडियंस को स्टॉक मार्केट से कोई मतलब है ही नहीं. फिर निफ्टी और ऊपर ऊपर चलते जा रहा है, सालों साल ऊपर चल रहा है. चाचा जी ने बताया कि उन्होंने पैसा लगाया था, कमाया. भतीजे ने लगाया था, उसने भी कमाया. सब जगह न्यूज में आ रहा है, आज तक में भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है. सडनली सारी एक हाउस वाइफ जो है, जो उसका टारगेट ऑडियंस, वो बोलती है यार अब मेरे को भी इन्वेस्ट करना है. तो सरिता वैसे कभी आर्टिकल नहीं लिखती, वो दो ही केस में आर्टिकल लिखेगी. एक, जब उसका टारगेट ऑडियंस भी मान जाए कि कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में. ये होता ही होता है.